हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास सेवेंथ का जो हमारा एट्थ चैप्टर है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, तो इसका हम आज इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। उड़ीसा वॉज हेड बाई अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आर ऑन 18 अक्टूबर 1999। ये जो सारे आपको डेट्स दिए गए हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो उड़ीसा था वो पहली बार कब हिट हुआ, 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हिट हुआ। मतलब ये जो एक साइक्लोन क्या होता है, हम ये भी करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अभी समझ लीजिए कि उड़ीसा को एक बार साइक्लोन ने हिट किया था जिसकी जो विंड स्पीड थी यानी कि जो हवा की स्पीड थी वो थी 200 किलोमीटर पर आर। वो पर आर 200 किलोमीटर जो हवा आगे बढ़ रहा था। और कौन सी तारीख को, 18 अक्टूबर 1999 को। हम अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेन पॉइंट है। इसके बाद है कि दिस साइक्लोन स्मैश 45,000 हाउसेज मेकिंग 7,000 पीपल होमलेस। 45,000 हाउसेज को जो साइक्लोन था, जो फर्स्ट साइक्लोन आया उड़ीसा में, कौन सी तारीख को, 18 अक्टूबर 1999 को, तो 45,000 हाउसेज को उसने तोड़ दिया और उसमें जो 700,000 पीपल रहते थे उनको होमलेस कर दिया, मतलब उनके पास घर नहीं बचा। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, अब जो 29 अक्टूबर उसी साल, कौन से साल, 1999 वाले साल में ही जो सेकेंड साइक्लोन आया जिसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आर, जिसने उड़ीसा को फिर से साइक्लोन ने हिट किया। और इट वॉज अकम्पेन्ड वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, और उसके साथ वाटर वेव्स भी थी कितनी, 9 मीटर हाई। आप समझ सकते हैं वो कितना ज़्यादा, मतलब साइक्लोन बहुत ज़्यादा वो था, बहुत ज़्यादा उसने घर बर्बाद किए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ लॉस कर दी और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी, जैसे जो प्रॉपर्टी थी करोड़ों रुपीस की प्रॉपर्टी, वो बर्बाद हो गई। जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बर्बाद हुए और जो साइक्लोन था उसने अफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बहुत सारी चीज़ों को उसने अफेक्ट किया। अब बट व्हाट आर साइक्लोन्स, वही यहाँ पे सवाल आता है कि अब साइक्लोन्स होता क्या है। चलो साइक्लोन ने उड़ीसा को दो बार हिट किया, बहुत कुछ बर्बाद किया, लेकिन अब साइक्लोन्स होता क्या है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, व्हाट व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत सारे तबाही क्यों मचाते हैं, इतने सारे डिस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, मतलब कि बहुत सारे बिल्डिंग्स क्यों तोड़ते हैं, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सारी चीज़ें क्यों तोड़ते हैं। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इस चैप्टर को हम पहले तो बहुत सारी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे जिसमें एयर के बारे में बताया गया है, एयर जिसमें एयर इन्वॉल्व है। और इसके बाद ये जो एक्टिविटी है हमें बताएगी कुछ बेसिक चीज़ें पहले साइक्लोन के बारे में। लेकिन इस सारी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये आप ध्यान दे दीजिए कि, मतलब जान लीजिए कि जो मूविंग एयर होता है, मतलब जो एयर है वो मूव कर रहा है, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। तो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, ठीक है। ये आप इसको एक तो लाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और दूसरा आप क्या कीजिए, दूसरी एक चीज़ आपको अंडरलाइन जो करनी है वो है, एक मिनट अब मैं आपको बताती हूँ आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है। यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिएगा कि उड़ीसा को सबसे पहले 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक साइक्लोन ने हिट किया 18 अक्टूबर 1999 को, और कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लोग होमलेस हुए, और फिर दूसरा साइक्लोन कब आया, उसकी विंड स्पीड कितनी थी, उसमें जो वाटर वेव्स है वो कितने मीटर हाई थे, ये सारी चीज़ें भी आप और देख लीजिएगा। अब इस चैप्टर में हम आगे क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में हम एयर एग्जॉस्ट प्रेशर इसको समझेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इसमें। उसके बाद एक और चीज़ हम समझेंगे कि हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं एकम्पेंड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, इस टॉपिक को भी हम एक बार समझेंगे। और फिर इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग हम ये वाला टॉपिक भी देखेंगे। और इसके बाद हम विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ये टॉपिक देखेंगे।
और इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वाला एक टॉपिक है, हम इसको भी कवर करेंगे, जिसमें हम थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में समझेंगे, और फिर जो थंडर स्टॉर्म है वो कैसे साइक्लोन बनता है, ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। अब साइक्लोन से क्या डिस्ट्रक्शंस होता है, क्या तबाही मचती है, और हम सेफ्टी मेजर्स देखेंगे कुछ, और एडवांस टेक्नोलॉजी देखेंगे जो आज के टाइम पे आ गई है, जिससे हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स के मैं आपको अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, तो जिनसे आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा वो टॉपिक देख सकते हैं अलग अलग, तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का, तो अगर समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि सब समझ सके, और इसके आगे मैं आपको इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स भी दे दूँगी। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।